हेलो प्यारे बच्चों, सारे का स्वागत, सारे सत श्रीकाल, बहुत बहुत स्वागत अध्यापक साथियों का, तुहाडे माता पिता, तुहाडे छोटे वड्डे भैण भरावां का। आस करदा तुसीं सारे सेहतमंद होवोगे बच्चो, अपने घर बैठ के पढ़ाई कर रहे होगे, उत्थे नाल ही अपने छोटे वड्डे भैण भरावां का ख्याल रख रहे होगे, अपने घर की साफ सफाई के नाल अपनी सेहत की सफाई जिहड़ी है, अपने शरीर की सफाई जिहड़ी है वह कर रहे होगे, अपनी सेहत नूं ठीक ठाक रखने वास्ते सेहत प्रति सुचेत हो। इस गल की मैं खुशी है, परमात्मा पासों हमेशा थोड़ी चढ़ती कला की कामना करता हुआ। आओ बच्चो, अज के इस वेलकम लाइफ स्वागत जिंदगी दे इस पाठ में थोड़ा स्वागत है। पाठ नंबर एक असं कर रहे हैं। पिछले वीडियो दे विच असी कहानी पढ़ी सी हवा पानी ते भोजन की, तुसी उसकी क्रिया भी की सी और यह भी समझिया सी कि हवा का मसला की है, हवा की कह रही है, पानी की कह रहा अपने बारे, भोजन की कह रहा है कि मैं विशाला क्यों होया, हवा कहती है मैं विशाली किमें हो रही हूँ, भोजन कह रहा है कि मैं किमें अपने पोषक तत्व गवा ले ने, किमें मैं अपने खाने का स्वाद भी स्वाद कर लिया। ये सारा कुछ पानी दे विच रसायन घुलन दे नाल वगैरह वगैरह सारी कहानी असीं पढ़ी सी। इस कहानी आधार ते बच्चो इस दी अगे अज अभ्यास है जिहड़ी असीं करनी है। आओ सीधा अभ्यास ते चलदे हां। हुण कहानी का रोल प्ले करना सी, तुसीं मैं तुहानूं समझाया भी सी कि किवें तीन बच्चे तुसीं अगर तीन भैण भरा हो जां कोई दोस्त मित्र जां अपने मम्मी पापा नाल लैके तुसीं कहानी दे पात्र बन के हवा दा पानी दा ते भोजन दा रोल प्ले कर सकदे हो और आसानी नाल समझ सकदे हो कि इन्हां नाल व्याप रहीआं मुश्किलां जिहड़ियां ने पानी भोजन ते हवा नाल किवें महसूस तुसीं कर सकदे हो। वो सिर्फ तां ही हो सकदा जे तुसीं रोल प्ले करोगे, तां ही तुहानूं मुश्किलां दा सामना जदों करना पएगा तुहानूं महसूस होएगा कि उन्हां नाल की बीतदी है ते उन्हां नाल बीतदी हुई साढ़े ते किवें बुरा असर जिहड़ी पा रही है। सो आओ हुण क्रिया नंबर दो की गल करदे हां। हवा पानी ते भोजन अपनी विगड़ी हुई हालत कारण बहुत परेशान हन। हुण हवा नूं की प्रॉब्लम है, जिस तरह उन्हें दसी है कि हवा दे विच जिहड़े ने जहरीले तत् घुलदे ने, हवा प्रदूषित हो रही है, धुएं करके हो रही है फैक्ट्री धुआं, तो हवा दे विच जिहड़ा है वो भारीपन वधदा जा रहा है, मतलब रसायण तत् जिहड़े घुलदे जा रहे ने, हवा प्योर नहीं है। अज तुसीं वेखो आक्सीजन की किन्नी प्रॉब्लम है, बेशक कोरोना वायरस चलदे आ एक हवा बन गया है कि आक्सीजन की कमी हो गई है, हो भी गई है, लेकिन सारा कुछ जिहड़ा है ये हवा के प्रदूषित होने नाल भी सानू प्रॉब्लम आ रही है। इस तों अगे उन्हें पुछिया कि जिहड़ा पानी है उसनू की प्रॉब्लम है, तो पानी नूं भी सेम प्रॉब्लम है, पानी नूं भी जिहड़ा है वह अपना दुख दसदा है अपनी कहानी दे विच कि पानी किवें दूषित हो के जिहड़ा है अपने असल तत् जिहड़े उन्हां विच खत्म हो गए ने, पानी जहरीला हो रहा है और पानी जिहड़ा असली जिहड़ा सोमा हुंदा जीवन का वो साढ़े वास्ते जहर किवें बनता जा रहा है, ये पानी ने अपने बारे बड़े विस्तार नाल दस्सिया सी। उस तों अगे भोजन की गल की गई सी, भोजन ने भी दस्सिया सी कि किवें असीं जिहड़ा है भोजन जिहड़ा है किवें जहरीला हुंदा जा रहा है, अपने असली असली पोषक तत्व जिहड़े ने वो गवा रहा है और किवें भोजन जिहड़ा है पानी कारण, क्योंकि पानी विशाला है, पानी तो ही हर चीज़ उत्पत्ति होंदी है, सो भोजन भी पानी तो तैयार होंदा है। पानी अगर विशाला होएगा, रसायन वाले होणगे, तां भोजन कुदरती तौर पर अपने आप ही विशाला हो जाएगा। ये सारे बच्चे भलीभांत जानते हैं, आप चौथी विच भी पढ़िया सी वातावरण सिक्ख्या के पाठ विच, जो असी संतुलित भोजन पाठ जिहड़ा वो पढ़िया सी। सो प्यारे बच्चो, ये तुसीं खाली थावां दे उत्ते इन्हां दी प्रॉब्लम जिहड़ी है पैराग्राफ चों नोट करके इत्थे लिख सकदे हो। वैसे मैं तुहानूं सारी गणाती हैं वीडियो नूं पिछे करके, तुसीं इन्हां दी प्रॉब्लम जिहड़ियां खाली थावां ते लिख सकदे हो। हुण क्रिया तीसरी जिहड़ी है ये संभव नहीं है, बेशक उन्हां कहा कि रैलियां वगैरह कढो कि हवा पानी जिहड़ा है प्रदूषण संबंधी जागरूकता रैलियां जिहड़ियां ने वो बैनर स्लोगन जिहड़ा ये बना सकते हो, तुसीं घर दे विच बैनर स्लोगन चार्ट जिहड़े बना सकते हो कि पानी नूं स्वच्छ किवें करिए। असीं क्लासां विच अग्गे करदे रहे हां, तुसीं हुण वी बच्चों घर बैठ के ये कम करना है। सोहणा जिहा इक स्लोगन तुसीं अपने कोल बना के रख सकते हो, एक बच्चा पानी ते बना लवे, दूसरा बच्चा जिहड़ा है वह हवा ते बना लवे, तीसरा बच्चा जिहड़ा भोजन ते बना लवे और ये रोटेशन वाइज तुसीं बना सकते हो, जिवें रोल नंबर एक दो ते तीन हवा पानी ते भोजन, फिर रोल नंबर चार तो लैके पाँच छे तक हवा पानी ते भोजन। इस तरह अगे तुसीं वख वख तरीके नाल आपो अपना बैनर जिहड़ा है चार्ट जिहड़ा है वह तैयार कर सकते हो। पेज नंबर सत्त आप आवांगे।
कहानी के आधार पर दसो कि भोजन की विगड़ी हुई हालत कारण उस विच की वध गया है। सो मैं पहले भी गल कर चुका कहानी से पढ़ चुके हैं बच्चों कि भोजन के जड़ा है वो जहरीला तत्व जोड़े रसायन पदार्थ जोड़े ने वध गए हैं जिस कारण जोड़ा है उसका असली जोड़ा स्वाद है भोजन का वह खत्म हो गया है क्योंकि भोजन विषैला होना शुरू हो गया। सानू पता नहीं लगता असी यूज टू हाँ असी रोज़ खाने सानू पता नहीं लगता लेकिन कितना कितने जोड़ा है भोजन जोड़ा है विषैला होंदा जा रहा है। सो उस विच कीड़ी मात्रा घट है कीड़ी वध है सो उस विच स्वाद की कमी है ये लिख सकते हैं जिहड़ी चीज़ कमी होवे उपर हुंदी है उसका भार घट हुंदा है। स्वाद उस विच घट है दूसरा पौष्टिक तत्व जिहड़े ने घटते जा रहे हैं। हुण वध कीड़ी चीज़ है रसायन जिहड़े ने वो बहुत वध ने तुसीं कोई लिख सकते हो काफ़ी है। क्योंकि रसायन तक का अपना इन्ना भार है कि सारा कुछ भोजन चो खत्म कर रहा स्वाद भी पौष्टिक तत्व भी और अगे चलते हैं इसे नोट कर लो। हुण अगे हवा प्रदूषण घट करन लई वाहनों की वरतों की जिहड़ी तरजीह है मतलब पहल तुसीं किहड़े विकल्प नूं दोगे उत्ते सही दा निशान लगाउणा कि सब तो पहला किहड़ा उस तो बाद किहड़ा उस तो बाद किहड़ा उस तो बाद किहड़ा मान लो मैं तुहानूं समझाउण की कोशिश करदा बच्चो मान लो तुहाडे घर दे विच साइकल खड़ा है उस तो बाद स्कूटर जां मोटरसाइकल खड़ा है उस तो बाद कार खड़ी है तुसीं किस चीज़ का विकल्प करोगे। मान लो तुसीं अपने घर तो 2 किलोमीटर की दूरी पर जा रहे हो तुसीं सब तो पहला किस चीज़ की वरतों करोगे कार की वरतों करोगे मोटरसाइकिल की वरतों करोगे जां तुसीं साइकिल की वरतों करोगे जां फिर पैदल जाने की कोशिश करोगे। सोचो सिर्फ 2 किलोमीटर जाना ओके। सो सारे बच्चे चंगी तरह समझ गए होंगे कि असीं घट दूरी तय करने वास्ते जिहड़ा है पैदल भी जा सकते हैं। अगर असीं पैदल चलन सानूं कोई प्रॉब्लम है सानूं फिजिकली कोई प्रॉब्लम है तो असी साइकिल की वरतों जी कर सकते हैं और अगर ज़्यादा दूरी पर जाना हो फिर असी विकल्प चुन सकते हैं कि असी साइकिल या मोटरसाइकिल साइकिल तो बाद मोटरसाइकिल से ज बहुत लंबी दूरी पर जाना हो मान लो किसी 100 किलोमीटर जाना है 50 किलोमीटर जाना है 150 किलोमीटर जाना है तो उस तो बाद जो है गड्डी या कार की वरतों कर सकते हैं। इस तरह ही विकल्प जोड़े ने असी चुन सकते हैं। हुण हवा प्रदूषण की गल कर रहे हैं इत्थे हवा प्रदूषण घट करन लई असी किस विकल्प की चोण करांगे उस वल आउने तो सब तो पहला तो असी तुहाडी स्क्रीन के सामने नज़र आ रहा होएगा कि बच्चे पैदल जा रहे हैं पैदल जाने नाल भी हवा प्रदूषण घट गया बेटा क्योंकि असी कोई भी रसायनिक तत्व नहीं छड रहे कोई भी असी नुकसान नहीं पहुँचा रहे वातावरण साइकिल पर भी जा सकते हैं क्योंकि साइकिल भी कोई रसायनिक तत्व धुआं वगैरह जोड़ा है वह पैदा नहीं करता फ्यूल यूज़ करके। उस तो बाद मोटरसाइकिल जोड़ा है उस तो बाद बस है कार है ये तिने जोड़े ने यह हवा खराब करते हैं धुंधला करते हैं गंदा करते हैं इस करके असी तरजीह जी सा है सब तो पहला पैदल तो उस तो बाद साइकिल की है जिन्हें मैं तुम्हें पहला ही दस चुका। हम तुम ये आधार पर सब तो पहला फिर दूजी फिर तीजी तरजीह चुन सकते हो टिक लगा सकते हो 1 नंबर 2 नंबर पा के। इस तो अगे है अपनी हुण समझ असी परखनी है मनुख की सेहत ते इस दे गंदे होने का मारू प्रभाव पैंदा है। जो ये चीज़ गंदी हो जाती है तो साड़ी सेहत ते इसका मारू प्रभाव पैंदा है। कि चीज़ गंदी हो जाए हवा पानी भोजन ज इन्ह सारे नाल सोचो बिल्कुल सही सारे सोचा इन्ह सारे नाल ही क्योंकि पानी हवा तो भोजन जो गंदला होएगा विशाला होएगा ये रसायनिक तत्व होंगे दूषित होएगा पानी हवा गंदी होएगी भोजन जोड़ा है वो विशाला होएगा तो अपने आप ही जोड़ा है इन सारे का असर पैंता है ये गंदे मारू प्रभाव जोड़े है साढ़े शरीर पर पेंदे। सो आप इसका उत्तर लावे इन सारे दिन। अगला प्रश्न है विशाली हवा नाल किस चीज़ का नुकसान हुंदा है। हुण हवा जिहड़ी है विशाली हो गई है
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ? ਭੋਜਨ ਤੱਤਾਂ ਦਾ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਹੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਫੇਫੜੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਉਲਟਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਮਾਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਸਾਇਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਲਵਾਂਗੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਫਾਈ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਚਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਹਰੇ ਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਖੁਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ, ਸਕੂਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਕਮਰੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਈ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾਈ, ਅਸੀਂ ਬੈਨਰ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਚਾਰਟ ਵੀ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਸਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ। ਚਾਰਟ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਠ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰਮ ਖਾਓ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੋਸਾ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਵੋ, ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੌੜਨਗੇ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।